ये बच्चे से सर चल चल सेफ्टी चला लेट कर रहा हूँ ବହୁତ हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। राउरकेला से आने के बाद मैं कोई भी ब्लॉग नहीं किया क्योंकि भुवनेश्वर में लगातार बारिश हो रहा था। तकरीबन 8 से 10 दिन हो गया और थोड़ा काम में बिजी था, सो प्रॉपरली मैं कहीं पे जा नहीं पाया। और बहुत दिन के बाद हम लोग आज निकल रहे हैं मुंडली बैरेज, जो कि भुवनेश्वर से 35 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और आज ऑलरेडी हम लोग का लंच हो गया, अभी भुवनेश्वर से निकल चुके हैं। रिसेंटली मुंडली बैरेज में जो हीराकुद का पानी छोड़ा गया था, बहुत पानी का लेवल हाई था और उस टाइम आते तो अच्छा होता, लेकिन काम में थोड़ा बिजी था। जब 2-3 दिन के बाद टाइम मिला तो आज हम लोग निकल रहे हैं और ऑलरेडी हम लोग आधा रोड क्रॉस कर चुके हैं और अभी यहीं से 15 किलोमीटर दूर है मुंडली बैरेज। ये जो रोड है बहुत ही असम रोड है। एक साइड केनाल है और दूसरी साइड देख सकते हैं नारियल का पेड़ है। बहुत ही अच्छा व्यू है और मौसम सुहाना है, बारिश भी शायद हो सकता है, लेकिन धूप भी थोड़ा थोड़ा है, चांस कम है बारिश होने का। सो चलिए अभी निकलते हैं। मेरे साथ आज है सत्य, वहीं पे थोड़ा ड्रोन व्यू भी लेंगे, बहुत अच्छा फुटेज लेंगे, उसके बाद रिटर्न करेंगे। शाम हो जाएगा, अभी वैसे हो रहा है 4:30। जल्दी जल्दी निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए मुंडली बैरेज प्रॉपरली मैं एक्सप्लोर करूँगा। ऑसम ऑसम व्यू है, पूरा गोवा गोवा जैसा फीलिंग। तो ये आप देख सकते हैं पूरी कैनाल, पानी पूरा भरा हुआ है। और ये जो कैनाल है मुंडली बैरेज से शुरू होता है और दोनों साइड देख सकते हैं बहुत सारा मछली पकड़ रहे हैं। भाई कौन थारी चले कौन हाँ तोड़ी तोड़ी बॉम्बे तोड़ी ना एडी एडी पड़ ला माछ पड़ू जोंदी अब कैनाल पानी छड़ाई गली है। ମାଛ ମାନେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ ମାଛ, ହଁ ଅଲଗା ଲେବୁଲ କେରଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲେଟ୍ କର। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିଲା ନଦୀ ଜଙ୍ଗଲ ଏ ସେଉଳ ମାଗୁର ମାଗୁର
तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मुंडुली बैरेज। यहां पे बहुत जोर से हवा हो रहा है और पानी का तो लेवल बहुत ही हाई है और पूरा जो है मुंडुली का सब गेट खुला हुआ है। और इस तरफ देख सकते हैं महानदी, और थोड़ा आगे जाएंगे 5 किलोमीटर आगे राइट साइड काठोजोड़ी नदी शुरू होता है और वहीं से जो है नौराजा डैम आ जाता है और आगे 10 किलोमीटर जाएंगे जोबरा। तो देख सकते हैं पानी का व्यू। और यहाँ पे रेगुलर जो फिशरमैन है मछली पकड़ते हैं और फ्रेश फिश अगर चाहिए यहाँ पे शाम को या सुबह आएंगे मिल जाएगा। और ऑलरेडी शाम हो चुका है, हम लोग का प्लान था 5 बजे जैसे भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे लेकिन अभी ऑलरेडी 5:30 हो गया और इतना ज़ोर से हवा हो रहा है। ड्रोन उड़ेगा या नहीं पता नहीं, तभी मैं ट्राई करूँगा उड़ाने के लिए। और वैसे बहुत सारा भुवनेश्वर से आए हुए हैं, थोड़ा पास में ही है, 30-35 किलोमीटर है, आप वैसे आके घूम के जा सकते हैं। सो अंधेरा होने वाला है, प्रॉपरली व्यू नहीं आएगा। ऑलरेडी शायद सनसेट हो चुका है और वैसे भी बारिश का सीज़न है, सनसेट कब होता है पता नहीं। और सबसे थोड़ा पीछे खड़ा है, मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ, अभी लास्ट तक जाएंगे। एक मंदिर है वहीं पर, बहुत सारा मछुआरे मछली पकड़ते हैं, उसको भी थोड़ा देखेंगे, उसके बाद थोड़ा चाय पियेंगे, उसके बाद रिटर्न करेंगे। यहाँ पे आप कभी भी आइए, बहुत हवा देता है क्योंकि पूरा ओपन है। महानदी रिवर का व्यू है और देखिए चारों तरफ जो पहाड़ का व्यू है। महानदी के आगे जाएंगे सातकोसिया टिकर पड़ा, सब कुछ देखने को मिलेगा। एक हफ्ते पहले बहुत पानी का लेवल बहुत हाई था, अभी शायद 6-7 फुट पानी कम हो चुका है क्योंकि न्यूज़ में जो आया था 7 दिन पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर का फ्लो हुआ था। खालो अच्छी दिख हुआ पूरा डायरेक्ट फ्लैट, देखिए डायरेक्ट फ्लैट। कौन माछ ऐटा पैसा बुझ पूरा जाल सहित उठ सो यहीं पे देख सकते हैं बहुत सारा फिशरमैन है जो मछली पकड़ रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मछली अभी पकड़े हैं। देख सकते हैं मुंडुली बैरेज का व्यू। हाँ
ନା ଏ ବିରଳ ନା ଇଏ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଆ କ'ଣ ସହଜ ଚିଲିକା କିଲୋ ନା ପଇସାଟେ ଦବ ଆମେ ପଇସାଟେ ନବୁ देख सकते हैं किस टेक्निक से मछली पकड़ रहे हैं यहीं पे। देखिए देख सकते हैं छोटा सा एक मछली। कौंटिया कौंटिया नहीं କଣ ଚିତ୍ତଳଟା ନେଇ ରୋଷେଇ କରିବୁ କି 300 ଟଙ୍କା କେଜି ଦୁଇ କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇ କିଲୋ ହବନି ଦେଢ କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ହବ ନାଇଁ କିଲେ ଛଅଶହ ସାତଶହ ହବ ମାଛ ଦେଖିବା ମାଛ କିନ୍ତୁ କିଲେ 700 ଖଣ୍ଡ ହବ ବେଶୀ ଏଇ ଗୋଟେ ଧରିଛି କେଉଁଟା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଧରିଛି ମାଛଟା ସିଏ ଲାଗିଛି ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ଧରିନଥିବ ଧରିପାରିବ ସେ ପାଣି ଭିତର ଫ୍ଲୋରେ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦି ଆଜି ହଁ ଏଇ ତ ମଜା ହେ ନାଇଁ ମାଛଲି ପକଡ଼ନା नहीं मछली पकड़ते हुए देखना मजा है। देखो कौंटिया हाँ कौंटिया से नहीं गले सीधा हैं भरी ही पड़े तो क्या कितने का दे 5 टका दे वो तो कोई तू सखा जाल ना हमें नहीं पकड़ा धरी अच्छी नहीं मैंने जाल लगो के हम कैमरा था यू ऑन कर ଆଜି ଚାନ୍ଦି ପୁରା ଆଜି ଲାଖପତି ହେଇଯିବ ମୋ ସାର୍ କଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟିଆକୁ ତୁ ବାହାର କରିବେ ଧରିପାରେ ସେମ୍ ସାଇଜିଆ କଣ୍ଟିଆ ସେଟା ସାଇଜିଆ ନ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ବୋଲି ସମୁଦ୍ର ମାଛ ବୋଲି ଦେଖା ଦେଇଦେବ ଯାହା ବାହାରୁ ହେଲା ମୋ ବଡ଼ ତଲାସରେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ କହିଲା ଛୋଟ ଆଉ ଦେଖାଯିବନି ଏବେ ସବୁ ଦେଢ଼ କେ ଜିଆ ଦରକାର ଖାଲି ବାଳିଆ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଆଶା ଅଛି ପଡ଼ିଲା Find you. I'm used to waiting. Are you? Would you be waiting there too? I'm used to staying. Would you? Get up, 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 get up
find you. I'm used to waiting. Are you? Are you? Would you be waiting there too? I'm used to staying. Would you? सो फ्रेंड्स, अभी इतना अंधेरा हो चुका है, प्रॉपरली कुछ दिखता नहीं है. सो मैं मोबाइल का टॉर्च लाइट लगा के ब्लॉग बना रहा हूँ. सो मुंडली बैरेज आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए. और वैसे कल मेरा कुछ काम है नहीं, और मेरा प्लान है एक दो प्लेस में जाके प्रॉपरली एक्सप्लोर करूँगा. एक है चंडीखोल का महाविनायक टेम्पल, और एक छतिया का मणिनगर टेम्पल. सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई वीडियो आप मिस नहीं करेंगे. सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग में बस इतना ही. बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.